नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है। फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अंशुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज़ पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अंशुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अंशुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मेथरी मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह या फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी वे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पोस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और ये 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह या फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अंशुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगू डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में हैं के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अंशुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह या फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अंशुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी वे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगू डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लोप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफते की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह या फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लोप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और ये 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लो हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी uh, तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने तीन करोड़ रुपये की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज़ पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है यह मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक पस्टर रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलाफती की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई नमस्ते दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पुष्पा द राइज पार्ट वन फिल्म की रिव्यू करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा फिल्म में कौन कौन से में एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइंस हैं इन सभी एक्टरों की कमाई कितनी है इन पुष्पा मूवी ने कितनी कमाई किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था यह मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है ये मूवी की स्टार कास्ट में किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया था और यह हिंदी में कब और कैसे आपको देखना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन का किरदार है वह कितना शानदार और कितना जानदार है इसकी कहानी क्या है इन सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पुष्पा द राइज पार्ट वन का है जो कि सुकुमार द्वारा लिखित तो और निर्देशित की गई है और यह 2021 में आई हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यानी कि यह फिल्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुत्तम सेठी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर से द्वारा निर्मित इस फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासिल उनके तेलुगु डेब्यू में है के साथ साथ टाइटेनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में फिल्म में सुनील धनंजय अजय घोष जगदीश प्रताप भंडारी और अनुसुईया भारद्वाज और राम रमेश भी सहायक भूमिका में आपको दिखने वाले हैं इस फिल्म ने 2000 सॉरी तीन सौ अंठानवे करोड़ कमाने के साथ पुष्पा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही साथ ही 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वहीं दूसरे स्थान पर विजय तलापति की मास्टर मूवी थी जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने बताई